गुड इवनिंग सर। अरे चंदर, आओ चंदर आओ। हमें उम्मीद नहीं थी कि तुम अपना काम इतनी जल्दी कर लोगे। जितनी जल्दी से मैंने आपका काम किया उतनी ही जल्दी से आप मेरा काम कर दीजिए। ओहो, ओए ले पुत्रा, चले तेरे बाकी दे पैसे। श्योर। आओ और अब हमें मजे लेने दो और खुद भी मजे लो, आओ। थैंक यू, गुड बाय। आओ। अब सपना को हकीकत में बदलने का मजा आएगा। क्या आप वही हैं जो मुझे हीरो का हार देने आए थे? हाँ हम वही हैं। तुम्हारी याददाश्त बहुत तेज है। तो फिर तुम्हें यह भी याद होगा कि एक दिन तुम ओब्रायन कंबाइन में नौकरी लेने गई थी और तू उस नौकरी को ठोकर मार के चली गई थी। हैं? इसका मतलब है वो कंपनी भी आप ही कमीनों की है। हाँ, इसीलिए हमने उसी दिन फैसला कर लिया था कि तुम जैसी मगरूर हसीना को हासिल करके ही रहेंगी। बकवास बंद करो। अगर चंदर आ गया तो वो तुम्हारा खून पी जाएगा। हम दौलतमंद व्यापारी हैं और दौलत से हम दुनिया की हर चीज खरीद लेते हैं। जैसे तुम्हें चंदर से हमने खरीद लिया इन 5 लाख। ओए भूलता क्यों है यार, वो साथ में एक फ्लैट भी दिया था, किनारे खूबसूरत गड्डी भी। चंदर मेरा पति परमेश्वर है, वो मेरे साथ इतना बड़ा धोखा नहीं कर सकता। और फिर बुला अपने चंद्र को, बुला मगरूर हसीना को। तो फिर बुलाओ अपने हस्बैंड को। तो फिर बुलाओ अपने पति परमेश्वर को, जो यहाँ आकर हम तीनों राक्षसों से अपनी पत्नी को ले। तुम जैसे राक्षसों के लिए पति की क्या जरूरत है, सपना अकेली ही काफी है। इसका दूसरा बंदोबस्त करना होगा। अंकल, इतनी रात गए तुम यहाँ? अंकल मेरे पीछे 3 गुंडे पड़े हुए। कौन है वो? ओब्रायन कंबाइन के मालिक। ओब्राय वर्मा कपूर? हाँ अंकल। जिनके तुम नाम ले रही हो, शांति हो कौन है वो लोग? हाँ अंकल। उनके पैसों से कई अनाथ आश्रम चलते हैं, कई संस्थाओं को वो अनाज की राहत देते हैं और नारी सुरक्षा के लिए उन्होंने कई नारी निकेतन खोल रखे हैं। ऐसे शरीफ लोगों पर कीचड़ उछालते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरी बात का यकीन कीजिए अंकल, वो शराफत के पर्दे के पीछे घिनौने कारनामे करने वाले दरिंदे हैं। मैं तुम जैसी नाचने वाली आवारा बच्चलन लड़कियों के नापाक इरादों से अच्छी तरह वाकिफ हूं। जब नाचने से पेट नहीं भरता तो अमीर लोगों को अपने हुस्न के जाल में फंसाने की कोशिश करती हो, और जब वो नहीं फंसते तो उन पर तोहमत लगाकर उन्हें ब्लैकमेल करके
उनसे नोट बटोरने की कोशिश करती हो। मुझे तो लगता है तुम भी उनके साथ मिले हुए हो। चुप, चली जाओ यहाँ से और दोबारा कभी यहाँ आने की कोशिश मत करना। आऊंगी, एक बार जरूर आऊंगी तुम्हारी दी ये गालियों का हिसाब चुकाने के लिए, लेकिन पहले उन दरिंदों से निपट लूं। बुढ़े अगर जान प्यारी है तो जो मैं कहता हूँ। हाँ तो मैडम, आपका नाम क्या है? सपना। आपके पिता का नाम? श्री दीनदयाल। दीनदयाल, आप मेरे साथ आइए, आइए। देखिए कहीं ये तुम्हारे पिता तो नहीं, हवलदार? ये नहीं हो सकता। पिताजी उठिए, पिताजी उठिए, आप मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़कर नहीं जा सकते पिताजी, नहीं, उठिए पिताजी, उठिए, नहीं पिताजी, ये नहीं हो सकता, पिताजी आप मुझे नहीं छोड़ सकते, नहीं, नहीं। ये वो लेटर है जो तुम्हारे पिता की जेब से मिला। मेरी बेटी चरित्रहीन है, अब मुझसे इसकी काली करतूतें बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए मैं आत्महत्या कर रहा हूँ। नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये सब झूठ है, साजिश है। मेरे पिताजी का खून उन्हीं तीन कमीनों ने किया है। किसने? वही तीन जो मेरे पीछे पड़े हुए मेरी इज्जत लूटना चाहते हैं, ओबेरॉय कपूर और वर्मा। शट अप, बदतमीज आवारा लड़की, इज्जतदार और शरीफ लोगों पर कीचड़ उछालती है। नहीं इंस्पेक्टर साहब, वो दुनिया के सबसे घटिया और कमीने लोग हैं। बकवास बंद करो, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। हवलदार बंद कर दो इसे। खबरदार, जो मेरा पीछा करने की कोशिश की भून कर रख दूंगी। हवलदार पीछा करो, भागने न पाए, भागो इसे। ओह माय गॉड, टाइम वेस्ट कर गई।